हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही है कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण। तो दोस्तों, अब हमारे YouTube चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भुवनेश्वर कुमार व जसप्रीत बुमराह के बीच IPL बॉलिंग कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे कि IPL में इन दोनों बॉलर्स में बेहतर बॉलर कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले हम भुवनेश्वर कुमार व जसप्रीत बुमराह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। भुवनेश्वर कुमार की करंट एज 31 वर्ष है, वही जसप्रीत बुमराह की करंट एज 27 वर्ष है। भुवनेश्वर कुमार की हाइट 5 फीट 10 इंच है, वही जसप्रीत बुमराह की हाइट 5 फीट 9 इंच है। भुवनेश्वर कुमार का IPL में डेब्यू 2011 में हुआ था, वही जसप्रीत बुमराह का IPL में डेब्यू 2013 में हुआ था। भुवनेश्वर कुमार IPL में सनराइजर हैदराबाद की टीम की ओर से खेलते हैं, वही जसप्रीत बुमराह IPL में मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से खेलते हैं। भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म है, वही जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग स्टाइल भी राइट आर्म है। दोस्तों, अब हम इन दोनों बॉलर्स के बीच IPL बॉलिंग कंपैरिजन करेंगे। भुवनेश्वर कुमार ने IPL में 126 मैच खेले हैं, वही जसप्रीत बुमराह ने IPL में 99 मैच खेले हैं। भुवनेश्वर कुमार ने IPL में 126 इनिंग्स में 3426 रन खर्च करके 139 विकेट लिए है, वही जसप्रीत बुमराह ने IPL में 99 इनिंग्स में 2777 रन खर्च करके 115 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार का IPL में बॉलिंग बेस्ट 19 रन देकर 5 विकेट है, वही जसप्रीत बुमराह का IPL में बॉलिंग बेस्ट 14 रन देकर 4 विकेट है। भुवनेश्वर कुमार का IPL में बॉलिंग एवरेज 24.65 का है, वही जसप्रीत बुमराह का IPL में बॉलिंग एवरेज 24.14 का है। भुवनेश्वर कुमार का IPL में इकोनॉमी रेट 7.31 का है, वही जसप्रीत बुमराह का IPL में बॉलिंग इकोनॉमी रेट 7.39 का है। भुवनेश्वर कुमार ने IPL में 4 विकेट 2 बार व 5 विकेट 1 बार लिया है, वही जसप्रीत बुमराह ने IPL में 4 विकेट 2 बार लिए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने IPL में 27 कैच पकड़े है, वही जसप्रीत बुमराह ने IPL में 11 कैच पकड़े है। भुवनेश्वर कुमार का IPL में ऑक्शन प्राइस 8.50 करोड़ है, वही जसप्रीत बुमराह का IPL में ऑक्शन प्राइस 7 करोड़ है। तो दोस्तों, ये था भुवनेश्वर कुमार व जसप्रीत बुमराह के बीच IPL बॉलिंग कंपैरिजन। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों बॉलर्स में बेस्ट बॉलर कौन सा है और आपका फेवरेट बॉलर कौन सा है, तो दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।